नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप एंगुलर 4 का एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बोलें कि एंगुलर 4 का एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर CLI। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी हैं एंगुलर 4 की या जो इनबिल्ट फाइल्स होती हैं वो आपको ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कि ये काम किस तरीके से हो सकता है। इस काम को करने के लिए चार तरीके होते हैं कि आप इनको जो कर सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल इट मैन्युअली बाय हैंड। मैन्युअली बाय हैंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एंगुलर जेएस की क्या है, कुछ प्री डिफाइंड आपकी कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे पैकेज डॉट जेसन है, डॉट ts फाइल हैं। तो मतलब जिन फाइलों की रिक्वायरमेंट हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है, कुछ कॉमन फाइल्स होती हैं, तो उन कॉमन फाइल्स को उठा के उनके कोड को कॉपी करके आप मैन्युअली एक एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब टेडियस काम है। आप इतना लंबा चौड़ा काम करोगे, आप एक एक फाइल को उठाओगे, उनको ऐड करोगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे, तो इससे ये अप्रोच कभी भी यूज़ में नहीं ली जाती। दूसरी अप्रोच जो होती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर अप्रोच है, यू कैन यूज़ द एंगुलर CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो कि आपको एंगुलर के लिए, एंगुलर 4 पर काम करने के लिए जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, आपको इसे कमांड प्रॉम्प्ट के यूज़ करके इसे आपको इंस्टॉल करना होता है। आप जो भी आपका एंगुलर 2 का जो भी आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं एंगुलर 4 के अंदर। ये टेक्निक मैं आपको यहाँ बताने नहीं वाला हूँ। ठीक है, फिर आता है कि आप जो गेटअप है, गेटअप जैसे आप जानते हैं कि ओपन सोर्स है, वहाँ से आप पूरे प्रोजेक्ट को उठा सकते हो। प्रोजेक्ट उठाने का मतलब क्या हुआ कि जो फाइल्स आप जैसे एंगुलर CLI के थ्रू क्रिएट करते हो वो फाइल ऑलरेडी वहाँ बनी हुई है, उन फाइल को आप उठा के और अपने प्रोजेक्ट में जिप फाइल होती है उसे आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, अपने फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो डिपेंडेंसीज है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है Node.js। ठीक है, आपको Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और Node.js में भी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वर्जन चाहिए Node.js का वो एवव 6.9 होना चाहिए अगर आप एंगुलर 4 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और NPM वर्जन जो होता है वो आपका 3.x से ऊपर होना चाहिए और नोड वर्जन जो है वो 4.x से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप 6.10 करेंगे या अभी तो फिलहाल आज की डेट के अकॉर्डिंग तो 6.11 चल रहा है, तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको NPM का और नोड का लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। ठीक है, और चलिए वापस से मैं पीछे वाली स्लाइड पे ही चलता हूँ कि कैसे आप इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस URL को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये URL एक्सेस किया और यहाँ जाके आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं। ये एक .msi फाइल रिटर्न करेगा और MSI फाइल का सेटअप आप चलाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको जो चीज़ चेक करनी है कि क्या आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ, तो उसे चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं Node/V। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वर्जन मेरा इंस्टॉल था वो 6.9.5 है। मैंने आपको बताया था कि एंगुलर 4 पर काम करने के लिए आपके पास जो वर्जन रिक्वायर्ड होता है वो एवव 6.9 होता है। ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, NPM का भी अगर आपको वर्जन देखना है, ठीक है, तो आप npm/v लिख के भी आप इसका वर्जन देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3.10.10 ये आपको वर्जन दिखा रहा है। नोड वर्जन तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, तो हालांकि मेरे सिस्टम के अंदर तो एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है पहले से, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले MSI फाइल को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और इस कमांड को आप रन करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में ये आपका आउटपुट दिखा रहा है तो इसका मतलब Node.js आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये Node.js सबसे पहला डिपेंडेंसी है दोस्तों। अगर जब तक आप इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम आपका यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है एंगुलर CLI। ठीक है, आपको इस एंगुलर CLI को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए भी एक कमांड होती है दोस्तों, जिस कमांड का यूज़ करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी npm install g angular CLI, यानी कि आप इसे यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ npm install, ठीक है, g और एंगुलर CLI। ठीक है, आप इस कमांड को लिखेंगे तो ये आपके सिस्टम में एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर देगा। एंटर मारिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। या -g का मतलब ये होता है कि जितने भी आप प्रोजेक्ट्स एंगुलर 4 के ऊपर बनाएंगे हर प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग से एंगुलर के कंपाइलर को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्चुअल में ये एंगुलर के कंपाइलर को इंस्टॉल कर रहा है,
ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ये प्री इंस्टॉल्ड है। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं और मैं लिखता हूं ng-v, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंगुलर CLI का 1.00 वर्जन मेरे पास यहां ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन नहीं है तो दोस्तों, जब आप प्रीवियस कमांड को लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या लिखनी है, npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉलर होता है, ठीक है, इंस्टॉल g और angular-cli, ठीक है, जब आप इस कमांड को लिखेंगे, ये टाइम लेगा, 5-7 मिनट का टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर, ठीक है, जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, वहाँ से इंस्टॉल कर लेता है ऑटोमेटिकली कंपाइलर से, ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप कुछ काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज जो टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने ये जो प्रोजेक्ट है, मेरे इस एंगुलर 4 ऐप के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं ये प्रोजेक्ट डाल चुका हूँ। हालांकि इस प्रोजेक्ट को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। तो मैंने क्या एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर एंगुलर ऐप 4। तो मुझे क्या है कि इस फोल्डर पे जाना है सबसे पहले, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ cd कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, cd डेस्कटॉप, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने एंगुलर ऐप 4, ये है ना मेरे फोल्डर का नेम, ओके, ठीक है, एंटर दूंगा तो आप देख सकते हैं मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जा चुका हूँ। अब जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है दोस्तों, आपको कमांड लिखनी है ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। जैसे मैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नेम लेने जा रहा हूँ, वापस से माई प्रोजेक्ट ही लेने जा रहा हूँ, ठीक है, ng न्यू माई प्रोजेक्ट, ये आपका एक फोल्डर क्रिएट करेगा और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज आपके एंगुलर के लिए, एंगुलर CLI की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए वो सारी की सारी वहाँ इंस्टॉल करेगा। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि अब ये 1-2 मिनट का काम है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं इंस्टॉलिंग पैकेजेस फॉर टूलिंग वाई npm, ये एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 5 मिनट तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं है कि आप वेट ना करें, Ctrl-C दबा के आप कंसोल से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है उनको करप्ट कर देगा और इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है, एक बार एंगुलर 4 इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में, आपके प्रोजेक्ट में, आप फर्दर आप उसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बार बार से इंस्टॉलेशन तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको मैसेज दिखा रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस फॉर टूलिंग वाई npm, इंस्टॉल्ड पैकेजेस फॉर टूलिंग वाई npm। तो अगर ये मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस प्रोजेक्ट को रन करा के देखना है कि क्या ये मेरा रन होता है, तो आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी ng serve और फिर आपके प्रोजेक्ट का नेम। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है माई प्रोजेक्ट, एंटर मारता हूँ। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है दोस्तों वो 4200 होता है, ठीक है, ये कुछ इशू दिखा रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया। आपको लिखना है ng serve और फिर आपको लिखना है ओपन, ठीक है, आप इस कमांड को लिखेंगे तो ये आपका रन होगा। एज ए फोर्थ वार्निंग वी आर मेकिंग द CLI npm द पैकेज एंगुलर विद द नेक्स्ट रिलीज विच विल सपोर्ट 6.9, दिस पैकेज विल बी ऑफिशियली डिप्लीकेटेड शॉर्टली आफ्टर। कुछ इशू है इसके अंदर, ओके दोस्तों, थोड़ी सी गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन गलतियाँ अपने को काफ़ी कुछ सीखने को बताती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मैंने वही काम नहीं किया जो मुझे करना था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ng serve आप लिखेंगे और फिर स्पेस देके ओपन लिखेंगे, ये आपके ओपन करेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन फाइनली आपका जब ये ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये लोकल होस्ट 4200 इस पर ये पोर्ट को ओपन करेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो एंगुलर 4 की एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। तो जो मैंने गलती की थी वो दोस्तों आप ना करें, आपको करना क्या है कि पहले अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है, उस डायरेक्टरी में जाएंगे आप, उसके बाद ही आप ये सब कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पर जाता हूँ तो कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, एंगुलर 4 के अंदर माई प्रोजेक्ट, तो आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। इन फाइल्स के बारे में डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जो चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वैसे ही मेरी साइट का, मेरी खुद की ऑफिशियल साइट है, इस साइट का मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने जितनी भी कमांड्स हैं और जो भी डिपेंडेंसीज के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ विजिट करके भी उन कमांड्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, हो सकता है आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो इस बार काम कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ हिंदी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।